तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चांद पौनीकर और आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी कार एक्सेसरी। तो आप जो ऐसे कि देख रहे होंगे, ये मेरे पास में आज लोगो लाइट जो रहता है, ये इस एंगल पे जो रहता है और यहाँ पर जो सुजुकी का जो सिंबल दिखता है नाइट विजन में, तो वो है। तो इसका आप पार्ट नंबर देख सकते हैं, ये पार्ट नंबर है इसका और ये प्राइस, ठीक है। तो इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दिया हूँ, फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। मारुति सुजुकी जिनियन एक्सेसरीज, और ये किस तरीके से लगता है, क्या लगता है, ये भी आपको बता देता हूँ। ये तो सबसे पहले इसका इंस्टॉलिगेशन, कि आप इसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये इसमें उसका पूरा मेनू रहता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा लोगो लैंप, ये उसका चार्जर पॉइंट रहता है, आप देख सकते हैं सी टाइप वाला है, ठीक है, इसको चार्जिंग करना पड़ता है। और इसके अंदर रहते भी हमारा, देखते हैं क्या क्या है, ये आप देख सकते हैं इसके स्क्रू, ठीक है, और ये वाइट एंगल जो रहता है ये, और ये उसका बैटरी। ये अभी सामने में कहाँ कहाँ लगता है आपको दिखा देता हूँ, वैसे हमको इस गाड़ी में लगाना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकली के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वो प्रोजेक्टर है, ठीक है। तो ये सिंपल, ये देखिए, ये पोर्शन से पुश करने पर ये बाहर निकलता है और यहाँ पर हमारी लगती है बैटरी, ठीक है। यहाँ पर एक रेड वायर लगेगा और यहाँ ब्लैक वाला। तो आपको सिंपल ये भी बैटरी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है बैटरी। तो हम बैटरी का लेवल आपको बता देता हूँ, देखिए रेड वाला वायर जिधर मैं बोल रहा आपको उधर ही सिंपली फिट करना है। ये हो गई हमारी बैटरी फिट। बैटरी फिट हो जाने के बाद में सिंपली हम इसे प्रॉपर तरीके से वायरिंग अंदर डाल देंगे। वायरिंग अंदर डालने के बाद में ये जो पॉइंट है आपका बरोबर वही लेवल पे जाने को होना, और इसे ऊपर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये अभी ये हमारा लाइट, इसमें प्रोजेक्टर चालू हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये जो ब्लैक एंगल है इसमें, ये देखिए, इस तरीके का सुजुकी का जो सिंबल है वो दिखता है। और ऐसे अगर डे में अगर इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता। और ये जो पोर्शन दिया हुआ रहता है, ये सेंसर रहे उसका। तो आपको प्रैक्टिकली के लिए मैं एक अंदर में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये लाइट चालू है, ये देखिए लाइट दिख रहा है आपको। अब मैं ये वाइट एंगल इसके अंदर में डालता हूँ तो ये हो जाएगा बंद, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा चालू, ठीक है। ये देखिए, तो इसके पीछे में जो ये सेंसर जो लगा हुआ है, तो इसे सेंस करता है वाइट एंगल, जब भी इसके सामने में आता है तो ये बंद हो जाता है। तो ये देखिए, ये हो गया चालू, ये हो गया चालू, और ये हो गया बंद, ये चालू, ये बंद। और आपको लग रहा होगा कि मैं पीछे से कहीं इसे बटन से दबा रहा हूँ, तो ये बटन इसका ऊपर में दिया हुआ है, साइड में देख सकते हैं आप, कहीं बटन नहीं दिया हुआ है, और ना ही आगे और ना ही पीछे में। तो मैं सिंपली आगे से और पीछे से पकड़ कर रखा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये उसका पोर्शन, ये जब भी वाइट एंगल इसको कनेक्ट होता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लगता है। अभी आपको ये भी बता देता हूँ कि ये फिट कहाँ होता है। तो ये देखिए, आपको सिंपली इसे ऊपर प्रेस करना है, ये दिख रहा है, ये एंगल ऊपर प्रेस करना है, तो ये पोर्शन अलग हो जाता है और ये पोर्शन अलग हो जाता है, ठीक है, हो गया। अभी आपको अभी आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो सिंपली हमें गाड़ी का जो आपका जो ट्रिम है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको इस एंगल पर आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। इसके पीछे में स्टिकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और तो ये वाला जो एंगल है हमारे बरोबर, ये पोर्शन जो कर है, यहाँ से जो दिख रहा है, ये ट्रिम जो फोल्डेबल हुई है, तो इस पोर्शन पे आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। या प्राइमर लगा के इस जगह पर आपको इसको स्टिकिंग करना है। स्टिकिंग करने के बाद में ये आपके दो जो स्क्रू दिख रहे हैं, ये स्क्रू के साथ में ये वाइसर आते हैं, वाइसर मैंने इसमें लगा दिया तो भी। और ये कैप रहती है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये छोटा सा कैप, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद में
ये दो जो पॉइंट है यहाँ पर आपके जाएंगे ये वाले स्क्रू, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रू लगाना है। अब स्क्रू लगाने के बाद में बैक पोर्शन में जो आपका ये स्क्रू का जो लेवल निकलेगा, तो आपको सिंपली किसी के हाथ को टच ना हो, क्योंकि बेसिकली कैसा है इस जगह का ज़्यादा यूजेबल रहता है, तो आप अगर इसमें बॉटल डालते हो या कपड़ा डालते हो, कभी हाथ भी आपका चले जाता है तो मार लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो पीछे से वो एंगल को आप यहाँ से इस तरीके से उसे प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें कैसा है, जिस स्क्रू का ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो इस तरीके से चुभ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको इतना प्रोसेस समझ में आ गया है, तो अभी और आपको इसकी और कुछ डिटेल बताता हूँ। अब ये पोर्शन तो हमारा हो गया इसमें लग के, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है आपकी गाड़ी में कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सपोज़ अगर आपका ये वाला पोर्शन अगर डोर बंद करते हो, तो अगर इस एंगल पर अगर आता है तो ये देखिए, इस एंगल पर अगर आता है तो ये अभी लाइट चालू है, तो जैसे आपका डोर अगर नाइट में अगर आपने अगर डोर ओपन किया तो ब्लैक शेड रहता है, तो यहाँ से आपका ये तो चालू हो जाएगा। तो नाइट में कैसा, अगर आप डोर अगर ओपन करते हो तो, और गाड़ी अगर कंटिन्यू डोर ओपन करने के बाद में कैसा ये एंगल तो चालू रहेगा, और जब गाड़ी अगर बंद करते हो तो इस तरीके से कैसा ऑन नहीं रहने को ना, तो इसलिए ये पॉइंट दिया हुआ है कि आपका डोर जब भी यहाँ पर लगेगा तो ये वाइट एंगल उसको बंद करेगा, ठीक है। तो ये अभी इतनी प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे। अब इसके अलावा इसको चार्जिंग कैसे करना है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये है वो डाटा केबल, ठीक है, सी टाइप वाला जो डाटा केबल है, तो ये ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट रहता है, तो आपको चार्जिंग भी करा कर मैं एक बार दिखाई देता हूँ पीछे से। अपन तो ये चाबी का इग्निशन ऑन करना है सिंपली, आपका जो यूएसबी स्लॉट है, यूएसबी स्लॉट में इसको ये पॉइंट को इसमें डाल देना है, तो ये देखिए आपका ये यहाँ पर रेड कलर का जो ये दिख रहा है आपको, इसमें चार्जिंग का हो रहा है। तो ये चार्जिंग इसके आपको जब तक के पूरा डिम नहीं हो जाता, डिम मीन्स यानी पूरा बंद नहीं हो जाता, तब तक के इसको चार्जिंग करना है। मैक्सिमम आधे घंटे में इसकी चार्जिंग फुल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का इसका चार्जिंग पॉइंट रहता है, तो आप इसे मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, जीनियन एक्सेसरीज का ही है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपने अच्छे से वॉच किया होगा। ये जो प्रोजेक्टर लैंप है, हमारी डीलरशिप में बहुत से कस्टमर लेते हैं कि नाइट विजन में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट दिखता है, और गाड़ियों में भी बहुत अच्छा लुक बढ़ जाता है कि जब भी डोर ओपन होते हैं। तो बेसिकली कस्टमर चार ही लेते हैं, क्योंकि दो कोई नहीं लेता बेसिक, पूरे कस्टमर कैसा है जो भी पूरे गाड़ी के जैसे डोर ओपन होते हैं तो ये एंगल उनका बहुत अच्छा दिखता है, सुजुकी का जो सिम्बॉल है वो, और आप देख सकते हैं जीनियन एक्सेसरीज का ही है। और पार्ट नंबर अगर आपको इसका चाहिए तो आप यहाँ से एक मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हो, ये पार्ट नंबर है लोगो लाइट अरेना, और ये इसका 1350 रुपये इसका चार्ज है। तो आप इसे अपने नज़दीकी मारुति शोरूम से परचेस करा सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे होंगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय दोस्तों।